बात करेंगे आज अर्बन प्लानिंग की। अर्बन प्लानिंग यानी प्लानिंग अर्बन एरियाज की, शहरी इलाकों की प्लानिंग। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, वो स्ट्रेटजीज जिससे अर्बन एनवायरनमेंट या शहरी वातावरण जो है वो इम्प्रूव हो, और उन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे अर्बन स्ट्रक्चर के जो डेवलप्ड, विकासशील और विकसित देशों में इस्तेमाल होते हैं, उपयोग में आते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि अर्बन प्लानिंग क्या है। अर्बन प्लानिंग का मतलब है कि जो लैंड्स है, जो खाली जमीन है, उसको साइंटिफिक तरीके से, एस्थेटिक यानी सुंदर तरीके से, और ऑर्डरली यानी ऑर्डर में, किसी पैटर्न में अगर उसको ऑर्गेनाइज किया जाए तो उसे हम अर्बन प्लानिंग कहते हैं। इसका जो एम होता है, ध्येय जो मेन एम है, वो है एक अच्छा फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन प्रोवाइड करना। किसके लिए? लोगों के लिए और उनकी कम्युनिटीज के लिए। ये प्रमोट करता है आपके हेल्थ और वेलबींग, जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए। तो अर्बन प्लानर बेसिकली होते कौन है? ये ज्योग्राफर्स होते हैं जो ये मेक श्योर करते हैं कि ये सब चीजें हों। अब अर्बन प्लानर्स की बात करते हैं कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या उनके काम होते हैं। तो अर्बन प्लानर्स वो अपने फ्यूचर में, जो भविष्य है, उनको प्लान करते हैं, साथ में जो अभी फिलहाल की जो नीड्स है, एड्रेसिंग करंट नीड्स, जो अभी की नीड्स है, उनको भी फुलफिल करना है। तो दो चार पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन है, आगे जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अगर मैं आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूं और वो आगे जाके फेल हो जाता है, तो उतनी ही मेहनत, उतना पैसा दोबारा जाएगा। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी आगे, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। डेमोग्राफिक्स कैसे चेंज होगी, जो डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी डेमो यानी कि आसपास की जितनी भी एरियाज हैं जो एक शहर से रिलेट होती हैं, वो किस तरह की बढ़ेगी, साथ में जो इंटरनल इसमें डेवलपमेंट्स होंगे। एंड व्हाट विल बी द इकोनॉमी ऑफ द सिटी, जो इकोनॉमी है जहां पर पैसा या इन्वेस्टमेंट ये सब चीजें आती हैं, वो कैसे बढ़ेगी आगे, क्योंकि जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी उस तरीके से अलग आपको डेवलप करना पड़ेगा, कम इकोनॉमी डेवलप होगी तो अलग तरीके से करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि कहां, किस और ये सिटी एक्सपैंड करने वाली है, ताकि कोई अगर लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे हम एड्रेस कर सके। इसी तरीके से बाइक और बस लेन से जो ब्रिज और बिजनेस पार्क्स पे लाना, ये काम अर्बन प्लानर्स का है, और उन्हें ये डिसाइड करना है कि उन्हें करना क्या है, ताकि जो सिटी है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में आप रेगुलेट कर सकें। लैंड यूज को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बात लैंड यूज और लैंड कवर की आएगी। लैंड कवर पे ही आप लैंड यूज देखते हैं कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द लैंड, क्या फ्लड प्लेन्स है, हिल साइड है, शोर लाइन्स है या नेचुरल कॉरिडोर्स है। एक्सेसिबिलिटी कैसी है, क्या ये क्लोज है ट्रांसपोर्टेशन रूट के, या कोई हार्बर है, जट्टी है, या पब्लिक ट्रांजिट से कितनी प्रॉक्सिमिटी है, कितने पास है ये। साथ में कंपैटिबिलिटी, यानी कि लैंड यूजेस जो आपको डिजायरेबल है आपके एग्जिस्टिंग के साथ, और व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री लैंड यूज फॉर रेसिडेंशियल एंड व्हाट आर नॉट, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की बात चल रही है, लोगों को रहना है और कम्युनिटी को रहना है। इसके अलावा हिस्टोरिकल लैंड यूज, जो चीजें हिस्टोरिकली अगर हैं हमारे पास, तो उनको इतने आसानी से चेंज करना या फिर उन पे छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल होगा। इसी के साथ कंज्यूमर डिमांड एंड लैंड वैल्यू, अब ये हर एक सिटी के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है या उसके चेंज पे डिपेंड करता है। जैसे अब देहरादून की बात करूं, तो मैं जब ये आपका कैपिटल नहीं था तब अलग रेट्स थे, कैपिटल बनने के बाद अलग रेट्स हो गए, तो ये सब भी ध्यान में रखना होगा। अब प्लानिंग प्रोसेस है, उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको पूरी कम्युनिटी के लिए सोचना है, किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं। जो लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो उनको आपको कम से कम करना है, और साथ में जो
जो अनडिजायरेबल लैंड है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, लोग जिसे पसंद नहीं कर रहे हैं, वहां पर आप जेल, पावर प्लांट्स, लैंडफिल ये सब बना सकते हैं क्या? बैप बनाने के लिए आप एक ना एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस में और क्या आता है? जोनिंग बायलॉज। तो जो जोनिंग बायलॉज का मेन का जो ध्येय है, जो एम है, वो है कि क्या आप बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं, किस तरीके से छोटा बना सकते हैं। इसके साथ इंडिविजुअल और कम्युनिटी ग्रुप को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पब्लिक मीटिंग में अपना प्रपोजल देना पड़ेगा, और जब आपके पास सारी चीजें आ जाए तो रिव्यू करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, और चीजों को हटा भी सकते हैं, एग्जेप्शन करने पड़ेंगे आपको। बहुत शुक्रिया आपका।